वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत। विदेहापरिचालोनी प्रपंच मुमुक्षु जनालागी अध्यात्म चर्चा करोनी बहुलोक जे मेलवीति। नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्य मूर्ति सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। आज के सत्संग में दो तीन दिनों से हम कह रहे थे कि कोई प्रश्न हो तो उसके लिए कुछ चर्चा की जाए, तो उसके अनुसार आज कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा। प्रश्न वाला पहले बता दीजिए, प्रश्न का बाद में रख लेंगे। जो भाग भक्ति के डायमेंशन। अच्छा अच्छा, पहले वो, उसके पहले हम दो तीन दिन से वह भी कह रहे थे कि भक्ति के अलग अलग जो भूमिकाएं हैं उनके बारे में कहने के लिए बोल दिया था। एक दिन ऐसे आया दिमाग में तो वैसे रह गया था। तो पहले यह है कि भगवान के विषय में जो संसार के विषय में जो प्रेम है उसको आसक्ति कहते हैं, और भगवान के विषय में जो प्रेम है उसको भक्ति कहते हैं। आसक्ति और भक्ति ये दोनों अलग दिशा वाले भावनाएं। इसलिए भगवान के विषय में जो अनन्य प्रेम है, सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, ऐसे नारद जी का कहना है, उस भगवान में जो अनन्य प्रेम है उसको भक्ति कहते हैं। और भक्ति जो है ये पंचम पुरुषार्थ माना जाता है। चार पुरुषार्थों के बाद में भक्ति यह परम पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ है। भगवान सब कुछ देते हैं लेकिन भक्ति देने में कुछ आगे, यानी कुछ अपने हाथ पीछे ले लेते हैं। भक्ति देने में उनको कुछ संकोच होता है कि दूं या ना दूं। ऐसे भक्ति जो भगवान को अपने वश में करने जैसे करने का एक बहुत बड़ा शक्ति है। भक्ति यानी एक भगवान भक्त की एक ऐसी शक्ति है कि जो जिसके जिसके आधार से भक्त अपने भगवान को अपने तरफ खींच लेता है। ये भक्ति का पहले मैं कुछ उसका अर्थ बताऊं। उसके लिए चार अर्थ हैं भक्ति के। भजनम भक्ति ही, भंजनम भक्ति ही, भागो भक्ति ही, भज सेवायाम भक्ति। ऐसे भक्ति के चार अर्थ बताते हैं। भजनम भक्ति ही, इसका मतलब यह है कि भजनम नाम रसास्वादनम। भजन यानी रसास्वादन, चाहे विषय रसास्वादन हो वह भी भजन है, चाहे भगवत रसास्वादन हो अभी भजन है। इन्हें भजन इन्हें रसास्वादन, रसास्वादन करने की नौ प्रक्रिया उन्होंने शास्त्रों में, भक्ति शास्त्रों में कहा है। नौ प्रक्रिया, नौ प्रकार से हम भगवान के भक्ति का रसास्वादन कर सकते हैं, या भगवान का ही रसास्वादन कर सकते। रसो वही सहा सच्चा रस तो वह भगवान ही है। सच्चा रस जो है भगवान है, वो भगवान रसस्वरूप है। रसो वैसहा, वह भगवान रसस्वरूप है। उस रस को इंद्रियों के द्वारा आस्वादन करना यह विषय हो गया। उसी रस को अपने अंतःकरण के द्वारा, मन के द्वारा आस्वादन करना, इस विषयी मन के द्वारा नहीं, शुद्ध मन के द्वारा,
भावपूर्ण मन के द्वारा उस रस को आस्वादन करने का नाम भक्ति है। भजनम भक्ति ही, अभी आप भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, इसका मतलब कोई भी भगवान के विषय में, यानी भगवान की, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान की दिव्य विभूतियों में, विभूतियों के श्रवण में, चिंतन में, मनन में और वाचन में अपने आप को भूल जाना, इसका नाम भक्ति है। यानी उस रस में डूब जाना, इसका नाम भक्ति है। इसलिए भजनन नाम रसास्वादनम, उस रस में अपने आप को मस्त हो जाना, मस्ती जो है भक्ति का लक्षण, अपने आप को आप खुद मस्त हो जाना, उसमें भगवान के चिंतन में मस्त हो जाना, दुनिया को भूल जाना, संसार को भूल जाना, इसका नाम भक्ति है। भजनम भक्ति ही पहला अर्थ, और दूसरा अर्थ है भंजनम भक्ति ही। भंजन यानी इसका मतलब है संस्कृत में तोड़ना, फोड़ना और उसको टुकड़ा करना, नाश करना, इसका नाम भंजन है। अरे भक्ति तो इतना ही है, कोमल है, आप टूटोगे कि तोड़ोगे किसको, बोड़ोगे किसको। अहंकार को तोड़ना, इसका नाम भक्ति है। अभिमान को नाश करना, अज्ञान को नाश करना, और अभिमान को तोड़ना, अज्ञान को तोड़ना, जीव भाव को तोड़ना। पहले पहले पहली भेंट हुई महाराज जी की तुकामाई जी के साथ। तुकामाई बोल दिए कि मैं तेरा खून कर दूंगा, बोले मैं तेरे को मार दूंगा। देखिए भक्ति है, ये मारना भक्ति है। वो गुरु गुरु नहीं है जो शिष्य का खून नहीं करता है। तो इसीलिए मैंने उस दिन कहा, जब से सुना है मौत ही का नाम जिंदगी। हम लोग जो है ना, हम लोग कैसे हैं कि हम लोग डेड हैं, मरे हुए हैं, आत्म भाव से मरे हुए हैं, देह भाव से जगने वाले, देह भाव से जिंदे हैं लेकिन आत्म भाव से मर गए। लेकिन गुरु क्या करता है, देह भाव से मार करके आत्म भाव से जागृत करता है, जीवंत करता है। इसलिए वो गुरु गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को देह भाव से मार करके आत्म भाव से जीवंत रखे, वही गुरु है। जो देह भाव को नहीं मार सकता है वो गुरु नहीं है। देह भाव को मारना गुरु का पहला लक्षण है। तो इसलिए जब से सुना है मौत ही का नाम जिंदगी, मरने को ही जीवन बोलते हैं, ऐसे हमने जब से सुना है, सर पे लपेट कर कफन को, कफन इन्हें जानते हैं आप लोग, मुर्दे को, हाँ जो कपड़ा होता है उसको कफन बोलते हैं, सर पे लपेट कर कफन को कातिल के खोज में घूम रहे। मारने वालों को, मारने वाले को हम ढूंढ रहे, कोई हमको मारने वाला मिले ऐसे। तो इसलिए यानी इसका मतलब है कि मारना, तोड़ना, भंग करना, नाश करना, इसका नाम भक्ति है। जो भगवान से हमको अलग करने वाली चीजें हैं, भगवान से हमको दूर करने वाली जो चीजें हैं, उनको मार देना, यह इसका नाम भक्ति है। यह भी भक्ति है, ये नेगेटिव प्रोसेस है। और तीसरा अर्थ है कि भागो भक्ति ही। भाग इसका मतलब है कि अलग, अंश अंशी भाव से अलग होना, अलग रहना। मैं अंश हूं, आप अंशी है। यद्यपि भेदापगमे नाथ तवाहन्न मामकी नस्त्वम् सामुद्रोहित रंग क्वचन समुद्रो न तारंग। शंकराचार्य जी का ये है, यद्यपि भेद अपगमे, हमारे और आप में कोई भेद नहीं है, यद्यपि भेद अपगमे नाथ तवाहन्न मामकी नस्त्वम्, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, ऐसे मैं नहीं कह सकता कि मैं, क्योंकि आप तो अनंत हैं, मैं शांत हूं, आप जो है परमात्मा है, मैं जीव हूं, इसलिए मैं आपका हूं। कैसे हैं, समुद्र तरंग का नहीं हो सकता है, तरंग शब्द
समुद्र जो है तरंग का नहीं होता है, यानी फलाने तरंग का समुद्र, अरबी समुद्र फलाने तरंग का है ऐसे नहीं बोलते, लेकिन सामुद्रो ही तरंग क्वचन समुद्रो न तारंग, यानी तरंग जो है समुद्र के होते हैं लेकिन समुद्र तरंग का जैसा नहीं होता है। हम भगवान के होते हैं, भगवान का भगवान हमारा है ऐसा उसका पहचान किसी को कोई नहीं देते। ऐसे मैं अंश हूं आप अंशी है, इसका मतलब अंश अंशी भाव से हम दोनों में क्या है कि भाग है, इसलिए इस भाव से उसका भजन करना इसका नाम भागो भक्ति ही, भज सेवायाम यानी उसकी सेवा करना, उसका उसका सेवन करना, उसको हम निरंतर उसका सेवन करते रहना, इसका मतलब भक्ति है। किसी भी भाव से सेवन करना, संगीत के भाव से करो या देह से कुछ सेवा करो या मन से चिंतन करो या बुद्धि से चिंतन करो या अपनी जो कुछ कलाएं हैं उसके रूप में हम भगवान के सेवन करते रहेंगे। पग गुंगरू बांध मेरा नाची रे, ऐसा उसके सामने हम पहले चाहे नृत्य करें चाहे संगीत करें चाहे गाए। हरिदास जो हैं उनके संगीत के प्रेम से ही यहाँ पर के जो बाके बिहारी लाल जी है वे प्रकट हुए, ऐसे कहते हैं ना। किसी भी भाव से उस भगवान का सेवन करना यानी उसके हो के रहना, यही तो भक्ति का इसका नाम भक्ति है। इसलिए भजनम भक्ति ही, भंजनम भक्ति ही, भागो भक्ति ही, भज सेवायाम भक्ति, इन चार यानी चार प्रकार से भक्ति का विश्लेषण करते हैं। यह भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन भक्त का जो भक्ति का भाव है उसकी उसकी उसमें जो धीरे धीरे उस भक्ति में जो पक्वता आती है, भक्ति पकने लगती है अथवा भक्ति का जो विकास होता है, भक्ति की व्याप्ति बढ़ती जाती है, ऐसा अनुभव भी बढ़ते जाते हैं। कैसे? पहले भक्त जो एक साधक होता है तो साधन करने लगता है, धीरे धीरे साधन करते 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 उसको भगवान के दर्शन होने लगते हैं। उस भगवान के दर्शन के अलग अलग जो है ना माइलस्टोन्स बोलिए या तो भूमिका बोलिए या तो अवस्था बोलिए, तो अलग अलग अवस्थाएं आती रहती है। पहली अवस्था यह है कि स्वप्न में भगवान का दर्शन होना ही पहली अवस्था है, हमारे स्वप्न में भगवान का दर्शन होना यह बहुत पहली अवस्था है। भगवान का दर्शन के जो अलग अलग भूमिका या आयाम बोलते हैं जिनको या डायमेंशन बोलते हैं, उसमें पहला डायमेंशन यह है कि हमारे स्वप्न में भगवान का दर्शन होना। स्वप्न में भगवान का दर्शन होना अच्छा है या नहीं? अच्छा है, यानी इसका मतलब यह है कि भगवान का दर्शन का वास्तविक स्वरूप नहीं है स्वप्न में दर्शन होने का, जो स्वप्न में दर्शन होना जो है उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। स्वप्न में के दर्शन से जागृत अवस्था के प्रश्न नहीं छूटते हैं, यानी हल नहीं होते हैं। स्वप्न का दर्शन का मतलब यह है हम उस भगवान के तरफ जो चल रहे हैं उसमें एक माइलस्टोन है, स्वप्न में का जो दर्शन है उसमें का एक माइलस्टोन है, उसे हमको बहुत कुछ मिल गया ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि स्वप्न में का दर्शन जो है हमारे अधीन में नहीं है, हमारे स्वाधीन नहीं है, जब चाहे तब हमको स्वप्न में भगवान का दर्शन हो, ये नहीं है। जब कभी हो जाता है भगवान का दर्शन, इससे अपने को अभिमान नहीं मानना और सोचना नहीं भी नहीं कि भी यह भी ऐसा सोचना नहीं है कि हम अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी हमको बहुत दूर जाना है। स्वप्न में का दर्शन जो है एक एक हमारा उस साधन के मार्ग में का एक अंत है। तो दूसरा है कि प्रत्यक्ष दर्शन, भगवान हमारे सामने कुछ क्षण के लिए आ गए और अपने को मान लो कि बंसी लेके आ गए या धनुष बाण लेके आ गए, तो यह अच्छा दर्शन है, बहुत ही अच्छा दर्शन है। फिर इससे भी हमारा मोह अज्ञान दूर हो जाता है क्या? नहीं होता है। प्रत्यक्ष दर्शन से भी
हमारा अज्ञान नष्ट नहीं होता है। ऐसा ही यदि होता हो तो अर्जुन को कभी हो जाना चाहिए था, उसको स्वजन मोह उसको क्यों हो गया। स्वजनम ही कथम महत्वा सुखिन श्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोक लो हतचेतसः। यानी युद्ध में जब अर्जुन ने अपने कौरवों को देखा तब वो बोला कि तृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते इत्यादि जो उसने कहा। इसका मतलब यह है कि कृष्ण प्रत्यक्ष सामने रहते हुए भी उसको मोह हुआ। इसका मतलब यह है कि प्रत्यक्ष दर्शन हुआ तो मोह नष्ट हो गया, अज्ञान दूर हो गया, हम जीवन मुक्त हो गए, ऐसी बात नहीं है। दर्शन होना एक बहुत अच्छा भूमिका है हमारे अंदर अंतःकरण की, एक अच्छी भूमिका है। हमारे चित्त बहुत कुछ शुद्ध हो रहा है, इसका मतलब यह है कि हमको भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, लेकिन अभी फिर भी हम रास्ते में हैं। ऐसा नहीं सोचना कि हम पहुंच गए, ऐसे नहीं है, अभी फिर भी हम रास्ते में हैं, और भी आगे हमको बहुत कुछ जाना है। इसीलिए दूसरा डायमेंशन है कि प्रत्यक्ष दर्शन, और यह भी ऐसी बात नहीं है कि सबको होना ही चाहिए। दूसरी एक यानी प्रत्येक की जो साधन अंतःकरण की भूमिकाएं होती है अलग अलग होते, इसलिए सबको दर्शन होना ही चाहिए ऐसे कोई बात नहीं है, और होगा ही ऐसे भी नहीं है, किसी को होगा किसी को नहीं होगा, फिर भी अपना जो है साधन चल रहा है इसे समझ लेना। कोई कोई बोलते हैं कि पहले होता था अब नहीं हो रहा है, तो हम साधन में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा प्रश्न आता है ना। पहले पहले हमको स्वप्न में दर्शन होता था, अब ऐसा भी नहीं हो रहा है, और पहले पहले हमको जागृत अवस्था में भी कभी कभी भगवान इधर दिखते थे उधर दिखते थे, और मंदिर में देखते ही भगवान का सच्चा स्वरूप दिखता था, अब वो भी नहीं दिख रहा है, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं क्या नहीं बढ़ रहे हैं? तो बढ़ रहे हैं। उसके लिए महाराज जी के एक सुंदर उदाहरण, उन्होंने कहा कि हम कहीं कोई गांव जा रहे हैं, जा रहे हैं तो पहले क्या लगा कि कुछ दूर चले तो ऐसा एक प्रदेश हमको मिला कि हरा भरा प्रदेश है, बहुत कुछ झाड़ हैं, बहुत सुंदर है, नैसर्गिक दृष्टि से बहुत ही सुंदर ऐसा हमको प्रदेश मिला। तो हम जाते जाते रहे तो प्रदेश खत्म हो गया, फिर सूखा सूखा प्रदेश दिखने लगा, वहां कुछ कोई एक झाड़ नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं क्या पीछे जा रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं ना। ऐसे उस साधन के मार्ग में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, फिर वो उसको पार करके आगे जाएंगे कुछ भी नहीं रहेगा वहां पे, तो इसे निराश होने की जरूरत नहीं है। इसलिए दर्शन होता था अब नहीं होने हो रहा है, तो इसे यह नहीं समझना कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। नामस्मरण कर रहे हैं ना, पूजा पाठ कर रहे हैं ना, अपने साधन भजन कर रहे हैं ना, फिर आगे बढ़ रहे हैं। साधन भजन करते हुए तो महाराज जी से किसी ने क्या कहा, महाराज जी हम 35 साल से भगवान का भजन कर रहे हैं, नामस्मरण कर रहे हैं, लेकिन हमको कोई अनुभव ही नहीं है। 35 साल हो गए हम नामस्मरण कर रहे हैं, फिर भी हमको कोई अनुभव नहीं है। तो बोले 35 साल किसी भी कोई भी अनुभव हुए बिना तुम 35 साल करते रहो, ये कोई मामूली अनुभव है? फिर तुमने किया क्यों? ऊपर छोड़ देना था, अरे हमसे छोड़ा नहीं जाता है। फिर ये अनुभव है ना, 35 साल कोई भी अनुभव न होते हुए आप नाम ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यही अनुभव सच्चा अनुभव है। और महाराज जी यहां तक भी कहा कि यदि भगवान भी प्रकट हो गए, बोले तुमको क्या चाहिए? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नाम लेना चाहिए, मुझे सिर्फ नाम लेना है। तो नाम का अनुभव नाम में ही लेना चाहिए, नाम का अनुभव और कुछ होना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है। नाम का अनुभव क्या है? और जोर से नाम लेना, और ज्यादा समय लगा के नाम लेना, और उसको प्रेम से नाम लेना, और भी उसमें मन लगा करके नाम लेना, यही नाम का अनुभव है। पहले जैसे लेते थे उससे भी अधिक मन लगा करके नाम लेने लगे, तो यही सच्चा अनुभव है। नाम से
नाम का ही अनुभव आना चाहिए। नाम से कोई दृश्य यानी रूप दिखना, रंग दिखना, शब्द सुनने में आना, ऐसा कुछ जो होता है, कहीं कहीं एकदम भगवान का दर्शन हो गए, अदृश्य हो गए, ये सब अच्छा है। लेकिन यह कोई हमको यानी आखिरी यानी ये नहीं है, हमारा जो गोल ध्येय है वो नहीं है। और इसके आगे का दर्शन का ये स्वरूप ऐसा है कि हमारे साथ भगवान निरंतर हमारे साथ हैं, ऐसा हमको फीलिंग होना। फीलिंग इज नॉलेज नॉट अंडरस्टैंडिंग, समझना है ज्ञान नहीं है, ऐसा लगना हमको ज्ञान है, ऐसे हमको भाव मन में भाव आना, ऐसे हमको लगना, तो हमको ऐसा लगता है कि जहां भी हम बैठे ऐसे ऐसे एकदम देख लेते, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ है, गुरु महाराज हमारे साथ है। जब हम ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे 17 तारीख को बंबई में हिंदुजा हॉस्पिटल में, हमारे साथ ये डॉक्टर लोग भी 2-3 डॉक्टर थे, ये भी थे और डॉक्टर देशपांडे और कोई सचिन करके, तो ये हमारे साथ जब हम शांत रूप से शांत भाव से अंदर जा रहे थे, तो बोले कि आपको कुछ लगता है क्या? सचिन डॉक्टर ने पूछा, नहीं मुझे कुछ नहीं लगता है, मुझे यह कबूल है, हमने यह कबूल करके ही चल रहे हैं कि यदि हम ऐसे आ जाए तो उनकी इच्छा, और दूसरे ढंग से आ जाए तो उनकी इच्छा, हमारे हाथ में क्या है, 12 घंटे तो हम बेशुद्ध रहेंगे वहां पे, हम बेहोश रहेंगे, हमको हम चाहे डॉक्टर कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमको उसका कोई ये नहीं, भय भी नहीं है, मन में उद्वेग भी नहीं, अशांत भी नहीं, अस्वस्थ भी नहीं, हम शांत भाव से जा रहे हैं। तो फिर हम अंदर जाते जाते हमारे मन में आए कि मेरे साथ मेरे गुरु महाराज हैं, मेरा भगवान है, इसे हमको लगा। तो हम 5 मिनट के लिए हम ऑपरेशन थिएटर में जागे थे, तो एक बार हमने देखा कि हमको ऐसा लगा कि महाराज जी पास में हैं, हमको लगा कि साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र मारुति सब हमारे साथ, तो फिर हम स्वस्थ हो गए। इसका मतलब यह है कि मराठी में बोलते हैं, जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती, चाल विसी हाथ धरूनिया, जहां जहां जाता हूं वहां मैं आप मेरे साथ हैं, तो मेरे हाथ पकड़ के आप ही मुझे चला रहे हैं, ऐसा यदि हमको भाव है फिर भय नहीं, चिंता नहीं, काजी नहीं, यानी हमारे हमारे मन में कोई प्रकार की चिंता, काजी, भय, उद्वेग, अशांति, असमाधान का कोई स्थान नहीं, क्योंकि भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ हैं। प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसके साथ रहने के बारे में हम अभ्यास करते रहें, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ, यह जो है प्रत्यक्ष दर्शन से भी एक यानी उससे भी गाढ़ यानी उससे भी कॉन्सेंट्रेटेड दर्शन का लक्षण है, उससे भी गाढ़ दर्शन का लक्षण है। वो 24 घंटे मेरे साथ है, 24 घंटे मेरे साथ है, मैं सोता हूं तो उसको बगल में लेके सोता हूं, मैं उठता हूं उसके साथ उठता हूं, मैं स्नान कर रहा हूं वह भी तब भी मेरे साथ है, मैं भोजन कर रहा हूं तब भी वे मेरे साथ हैं। उनका जो अस्तित्व का भाव, उनका अस्तित्व का भाव हमको हमारे मन में फीलिंग होते रहना, इसका नाम है तीसरी भूमिका है। अब इससे बढ़कर एक भूमिका है, क्या है, मेरे जीवन में, मेरे प्रपंच में, मेरे संसार में, यानी मेरे जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटनाओं में उसका हाथ है, उसका हाथ हमको दिखना चाहिए, वह उसकी इच्छा, यह उसकी इच्छा, कोई मर गए उसकी इच्छा। तो एक बार हुआ क्या कि तात्या साहेब जी करके एक महाराज जी के शिष्य थे, उनकी शादी महाराज जी ने किया था, भाऊ साहेब जी के पुत्र, तो उनकी शादी गोंदावले में हुई, भाऊ साहेब करके एक जो भाऊ साहेब खेतकर करके महाराज जी के एक शिष्य थे, वे अपने 58 साल तक उन्होंने यानी नौकरी की, फिर उन्होंने ये रिटायरमेंट ले करके गोंदावले में ही रहे, फिर जीवन भर वे महाराज जी देह छोड़ने के बाद भी गोंदावले में रहे, तो उनके लड़के की शादी गोंदावले में हुई, महाराज जी ने वो लड़की को पसंद किया, तो भाऊ साहिब जी को
लड़कियों के तरफ के उन्होंने पत्र लिखा, लड़की के पिताजी ने पत्र लिखा कि हमारी लड़की, हम आपके लड़के को देना चाहते हैं, आप इसके लिए आपका क्या माता ये भाव है। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी लड़की को महाराज जी से दिखाए, महाराज जी को दिखाइए, महाराज जी पसंद करेंगे तो हमको पसंद है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि लड़का नहीं देखना, लड़के की पिता भी नहीं देखना, महाराज जी पसंद किए, गोंदा वाले जाकर के दिखाओ। तो सांगली के थे, उन्होंने गोंदा वाले ले जाकर के लड़की को दिखाए। तो महाराज जी ने उसके ऐसे यानी कपाल पर ऐसा हाथ रखा, बोले कि हमको लड़की पसंद है। तो भाऊ साहिब जी ने कहा हमको भी लड़की पसंद है। लड़का बोला कि कोई हमारी कोई बात ही नहीं। तो फिर शादी का, शादी गोंदावले में होना, मुहूर्त निश्चित हो गया। सवेरे 10:30 बजे मुहूर्त था। गुरु निष्ठा क्या होती है मैं बोलता हूं। तो 10:30 बजे मुहूर्त था, तो 10 बजे महाराज जी अपने कमरे में जाके सो गए, दरवाजा ऐसे आगे करके। तो 10:15 बज गया, कोई तैयारी नहीं बाहर लग्न शादी की, अक्षता वगैरह की। तो लड़की के पिताजी, वो लड़के के पिताजी से पूछ रहे हैं भाऊ साहेब से, भाऊ साहेब अभी शादी की कोई तैयार नहीं दिख रही है, अभी 15 मिनट है मुहूर्त। नहीं महाराज जी सोए हैं, वे उठ के आएंगे तब अक्षता पड़ेगी, तब तक कुछ नहीं कर सकते। फिर उठाओ, यहां गोंदावले में ऐसे उठाने की रिवाज नहीं है, जब वे उठ के आएंगे तभी होगा। तो ठीक है बोले जी, आपको आपको पसंद है तो लड़की दे सकते हैं, नहीं पसंद है छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम उनके आए बिना हम शादी नहीं करेंगे। तो चुपचाप बैठ गए सब लोग, क्या करेंगे लड़की वाले, तो क्या करेंगे बेचारे, तो चुपचाप बैठ गए। 10:30 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, 7:30 बज गए। 7:30 बजे महाराज दरवाजा खोल के बाहर आए, तो बोले अरे अरे भाऊ साहब तुम्हारे घर में लड़के की शादी है, आपने हमको उठाए नहीं। नहीं महाराज ठीक है। 7:30 बजे सबको जल्दी जल्दी से बुलाए और 2 मंगलाष्टक बोले और अक्षता डाले। तो फिर उनके साथ एक ज्योतिषी आया था, वो चिल्लाने लगा क्या है ये, कोई महात्मा के लक्षण है क्या, सवेरे 10:30 बजे मुहूर्त है और 7:30 बजे तक कभी उठा ही नहीं था। तो उसने बोला कि मुहूर्त बिगड़ गया, सब खराब हो। तब उस महाराज जी को पता चला कि महाराज जी बुलाए उनको, आइए मैं कुछ नहीं जान, मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे शास्त्र ज्ञान ज्योतिष वगैरह मुझे कुछ नहीं आता है। सो गया तो सो गया मैं, मुझे याद भी नहीं कि शादी है करके, क्षमा कीजिए और देखिए मुहूर्त, अभी हमने तो अक्षता डाल दी है, ये मुहूर्त कैसा है। तो ज्योतिषी ने देखता है तो पंचांग निकाल करके जिस मुहूर्त पर, जिस समय पर वे अक्षता डालने वाले थे वो मृत्युयोग था, जिस मुहूर्त पर अभी अक्षता पड़े 10:30, 7:30 बजे वो बिल्कुल अग्नि उत्तम मुहूर्त था। तब चुपचाप बैठ गया महाराज जी ने अपने बत्ताशा करके, उनका घोड़ा था उसको सजाया और उस पर दोनों को बिठाए, वधुवर को, तो यहां क्या वो यहां बोलते हैं, हाँ वधुवर को बिठाए, बिठा करके उन्होंने खुद अपने हाथ से लगाम पकड़ करके गांव भर घुमा के आए। और घुमा करके आने के बाद 11:30-12 बज गए रात को। तो सब महाभाऊ साहेब और उनके सब उसकी उनकी पत्नी लड़के सब महाराज जी के कमरे में आए। तब महाराज जी ने भाऊ साहेब से कहा, भाऊ साहेब अब इन बच्चों की चिंता मत करो, बोले वो सब मुझे है, उन सब की चिंता मुझे है, बोले तुम चिंता मत करो। तो इतने वो निश्चिंत रहे, कुछ चिंता नहीं। 9 लड़के, 5 लड़कियां और 4 लड़के, उनको किसी का शिक्षण नहीं, किसी की शादी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन गोंदावले में पड़े रहे। महाराज जी छोटे से कमरे दिए थे, उस कमरे में रहते थे। एक दिन भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मेरे लड़कों के शिक्षण के बारे में क्या करना चाहिए और लड़कियों के शादी के बारे में क्या करना चाहिए, कुछ नहीं। उनकी पत्नी जब कपड़े धोने के लिए और बर्तन मांजने के लिए नदी पर जाती थी, माण गंगा नदी पर, तब गांव के औरतें उनसे बोलती, अरे तुम्हारे यानी पति इतने
यानी सुशिक्षित हैं, इंजीनियर होके रिटायर हुए, और वे ये नहीं जानते हैं कि लड़कों के शिक्षण के बारे में कुछ सोचते नहीं, ऐसे यहाँ आराम से रह रहे हैं। तो वे बेचारे आकर के अपने पति से बोलेंगे, भाऊ साहिब जी से, ऐसे ऐसे औरतें बोलती हैं, तो तुम महाराज जी से बोलो, वे जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन हम खुद होते हमारे कुटुंब के योगक्षेम खुद उन्होंने वहन करने के लिए उन्होंने वचन दिया है, तो फिर मैं क्यों करूं। जिनको हम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सदगुरु कहते हैं, वे क्या हमारे चार बच्चों की योगक्षेम नहीं देख सकते हैं क्या? फिर मैं क्यों अपने बीच में पढ़ूं? इसलिए तुम महाराज जी से बोलो। तो वे जाकर के महाराज जी से बोले, महाराज गांव की औरतें ऐसे बोलती हैं, तो बोले चिंता मत करो, बोले तुम्हारे लड़कों के हाथ में यदि झोली भी आ जाए, तुम्हारे प्रपंच उनके प्रपंच की जवाबदारी मुझे है, बोले। ऐसे वे उन तात्या साहेब जी की पत्नी, तो बाद में वो बंबई में रहते थे, तात्या साहेब नौकरी करते थे, तात्या साहेब हॉस्पिटल में गुजर गए, महाराज जी में लीन हो गए। तब कुशी ने आकर के उनकी पत्नी को बोले, तो तात्या साहेब जी चले गए, तो एकदम एक क्षण भर उनको दुख का एक उद्वेग आया, तो दूसरे क्षण वे क्या बोले, जिस महाराज जी ने मुझे हाथ पकड़ करके इस घर में लाए, वे ही महाराज अभी हाथ पकड़ वे ही महाराज मेरे पति के हाथ पकड़ कर ले गए, तो उसको सुख कैसे मानो, इसको दुख कैसे मानो। यानी जो कुछ भी होता है उनकी इच्छा से होता है। एक इच्छा को हम अभी हमने आते वक्त महाराज जी के चरित्र में ही पढ़ के आए, जो भगवान हमको सुख देता है वही भगवान यदि हमको यानी दुख दिया, तो उसको सुख कैसे माने और इसको दुख कैसे माने। माँ अपने बच्चे को एक बार यानी मीठा खिलाती है, कभी कभी प्रसंग ऐसा आता है कि उस समय कड़वट खिलाती है ना, दवाई वगैरह खिलाती है, कभी कभी जो माँ मीठा पे खिलाती है वही माँ प्रसंगानुसार यदि तीखा कड़ू वगैरह कड़वट बोलते हैं ना, हाँ कड़वा खिलाती है, तो आप उसको दुख कैसे करें। इन्हें माँ का कोई विरोध है बच्चे के बारे में? ऐसे महाराज जी ने कहा, भगवान का एक शिष्य था गुरु का, वो रोज गुरु के आश्रम में उपासना के लिए जाता था, भजन पूजन के लिए, तो रोज प्रसाद देते थे, रोज प्रसाद बहुत अच्छा मीठा लगता था। एक दिन उसमें इन्हें कड़वा बादाम आ गया, तो उसको थूकता है क्या? जो गुरु महाराज रोज इन्हें मीठा खिलाते हैं, वही गुरु महाराज एक दिन कड़वा खिलाएंगे, तो उसको कैसे हम ये करेंगे, इन्हें तिरस्कार करेंगे। ऐसे भगवान मेरे जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटनाओं में उसका हाथ है। यदि हमको ऐसा लगने लगा तो अच्छा हो गया, मेरे मन को संतोष होने जैसा घटना घट गई, फिर भी उसकी इच्छा, मेरे जैसे को बुरा लगने जैसी घटना घट गई, फिर भी उसकी इच्छा। इस भाव से रहने का मतलब भगवान का दर्शन होने का, मेरे जीवन के प्रत्येक घटनाओं में उसका हाथ चल, तुम्हारी इच्छा जैसे तुम चाहते हो ऐसे हमको रखो, हम कबूल है। इसलिए ऐसे कहने का मतलब यदि ऐसा हमको लगना ऐसा हो गया तो भी तुम्हारी इच्छा, आज हमको आपने मुझे इन्हें पंच पकवान खिला रहे तुम्हारी इच्छा, आज हमको आप इन्हें हमारे हमको जो है ना बासी रोटी खिला रहे हैं तुम्हारी इच्छा, आज हमको तुम आलिशान बंगला में रखा तुम्हारी इच्छा, कल हमको फुटपाथ पर लाते हैं तुम्हारी इच्छा। फकीर आशिक कहता है, हम राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह हुआ वहां यूं भी वाह हुआ, ऐसे रखा तो आनंद है वैसे रखा तो आनंद है,
यह भगवान का दर्शन का अर्थ है। भगवान का दर्शन का मतलब यानी अपने जीवन में घटने वाले प्रत्येक घटनाओं में उनकी इच्छा हमको देखने के लिए आना, यह भी एक भगवान के दर्शन का डायमेंशन है। इसी प्रकार इस विश्व में घटने वाले प्रत्येक घटना के पीछे उसकी सत्ता, उसकी शक्ति काम कर रही है। भीषास्माद्वातः पवते भीषो देति सूर्यः, भीषास्माद्अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। अभी जो सूर्य उदय हो रहा है समय समय पर, उसकी सत्ता से हो रहा है, और जो हवा चल रही है उसकी सत्ता से, ठंडी पड़ रही है उसकी सत्ता से, और अभी जो धूप हो रहा है तो उसकी सत्ता से। इस विश्व में घटने वाले प्रत्येक घटना उनके पीछे। एक दिन मालाड में, बंबई में, तो महाराज जी है ना, तात्या साहेब केतकर और बेलसरे जी दोनों भोजन के लिए बैठे थे। तब चाइना युद्ध चल रहा था। तब बेलसर जी ने तात्या साहेब जी से पूछा कि तात्या साहेब, ये चाइना युद्ध कब खत्म हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा यानी रुकेगा? तो बोले महाराज जी की इच्छा हो गई तो रुक जाएगा। बोले अरे चाइना युद्ध और महाराज जी की इच्छा? तब बोले इस विश्व में घटने वाली प्रत्येक घटना के पीछे भगवान का सत्ता है। ऐसे जिसको लगने लगता है उसको इस विश्व में घटने वाले घटना के बारे में कुछ सुख दुख नहीं होगा। तो इसके बारे में महाराज जी से पूछे, महाराज इतना भूकंप होता है, हजारों लोग मर जाते हैं, और कहीं ना कहीं तो ऐसे हवा चलती है ना, वो समुद्र के ऊपर हवा चलने लगी, तो विशाखापट्टनम में एक बार ऐसा हो गया, हवा चलने लगी 70-80-200 किलोमीटर स्पीड से हवा चलती है, तो वहां करीब सैकड़ों हजारों घरों के दरवाजे निकल गए और खिड़कियां भी निकल गई, हजारों झाड़ गिर गए, लोगों ने दरवाजा लगा लगा करके 2-3 दिन तक उपवास उसको लगा कर अपने को टेक करके बैठे थे। तो यह सब क्या है उत्पात? तब महाराज जी ने बोला, देखो मिर्ची तीखा है करके किसी को दुख होता है क्या, और इमली खट्टी है करके किसी को दुख होता है क्या? यह तो विश्व की व्यवस्था है। बोले कभी विश्व में भगवान इस विश्व के समतोलन को पालन करने के लिए, रखने के लिए, कभी इधर नाश करता है, कभी इधर निर्माण करता है। निर्माण और नाश इतने बड़े प्रमाण से जो हो रहे हैं वो उसकी लीला है। दुनिया में होने वाली प्रत्येक घटनाओं में भगवान की लीला देखना, यह दर्शन का परमोच्च अवस्था है। इसलिए साधु संतों को इन बातों से उनको दुख होता नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें उनकी भगवान की लीला दिखती है। 18 अक्षोहिणी सैन्य जब धराशायी हो गई तब भगवान क्या रोते बैठे रहे? इतने जीव हत्या हो गई, हजारों हजारों लाखों लोग मर गए, और हजारों घोड़े मर गए, हाथी मर गए, और बचे कितने? 5 पांडव, कृष्ण, कृपाचार्य, कृतवर्म और अश्वत्थामा, इतने लोग बचे रहे। तब एक छोटी सी विनोद की बात कहता हूं। इतने 5 पांडव और एक कृष्ण, इतने ही थे वहां पे, कृतवर्म, अश्वत्थामा और कृपाचार्य चले गए थे, तो सब दूर देख रहे थे। तो उतने में काला ऐसा बड़ा देवता पुरुष आया, तो बोला कि कृष्ण को नमस्कार किया। बोले कौन है आप? मैं कली हूं। बोले कली यहां क्यों आ गया? तब उनने कहा, भगवान अब आपका युग समाप्त हो गया द्वापर, अब हमारा युग शुरू होने वाला है कलियुग, तो फिर क्या चाहिए? बोले देखो हमारा युग का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है, हम इस युग में मनुष्यों की बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। हमारा युग का धर्म है वो, मनुष्य बुद्धि भ्रष्ट करना, ये हमारा युग का धर्म है। तो इसके लिए किस माध्यम से हम मनुष्यों के बुद्धि भ्रष्ट करें, उसके लिए हम कोई एक माध्यम दे दो। भगवान ने कहा कोई चिंता मत करो, आगे चल करके तुमको एक माध्यम मिल जाता है,
उस माध्यम के द्वारा तुम मनुष्यों के बुद्धि को भ्रष्ट करो। क्या माध्यम है? टीवी बोले। मनुष्यों के बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए तुमको आगे एक ऐसे हम पेटी दे देंगे, डब्बा दे देंगे, तो उसमें से तुम उसको अच्छा लगा, हमारा काम हो गया बोले। हम तो कल वही हमारा काम है, बुद्धि भ्रष्ट करना ही हमारा। तो बोले कोई बात नहीं, चलो अच्छा हो गया, तो चला गया। उतने में फिर पीछे पीछे से 100 प्रेतात्मा उठ के आ गए। तुम लोग कौन हो? हम लोग कौरव हैं। तुम क्या चाहते हो? हमको भी कलयुग में कोई स्थान होना चाहिए ना, हम लोग भी वही उसी गैंग में हैं, कलयुग के गैंग वाले हैं हम, हमको भी एक स्थान होना चाहिए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, तुम 100 चैनल हो जाओ बोले। टीवी में के चैनल वे कौरव ही 100 चैनल हो गए। तो उन्होंने कहा कि हम खुश हो गए, जाओ। तो फिर पीछे से और एक आया, तुम कौन हो? मैं दुर्योधन हूं। तुम क्या चाहते हो? अरे हमको भी एक अच्छा स्थान मिलना चाहिए, वह जबरदस्त स्थान। अरे मिल जाएगा, तुमको भी मिल जाएगा, कोई चिंता मत। फिर कहीं मैं क्या हूं? तुम रिमोट हो। इन 100 कौरवों को चलाने वाले तुम, खिलाने खेल कराने वाले तुम, यानी ये रिमोट हो जाओ। तब दुर्योधन बोला अच्छा हो गया चलो। फिर पीछे से और एक आया, वो लंगड़ा सा ऐसे करते आया ना वो। तो बोले तुम कौन हो? मैं शकुनी हूं। तुम क्या चाहते हो? अरे हम कौरवों को छोड़ के हमने कभी रहा ही नहीं है, हमको भी एक स्थान चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, तुमको भी अच्छा ऐसा बढ़िया स्थान दे देंगे, तुम्हारा जो कपट है, ये जो ये है, सब तुम्हारे वहां चलेगा। क्या है? तुम मोबाइल हो जाओ। मोबाइल ने मूर्तिमंत शकुनी है, वो एक दीवार के उधर रहता है और एक इधर रहता है। हेलो साहब, आप कहाँ हैं? हम कलकत्ता में हैं, आप बंबई में, वो दोनों इधर ही है। और हम भी बोलते रहते हैं मोबाइल में कभी कभी, तो बोलते हैं गुरुजी आप कहाँ हैं? तो अरे पास में है, 20 किलोमीटर दूर रहते हैं, हम अभी आ गए। ठीक है कोई बात नहीं। मेरा कहना यह है कि भगवान को वो लीला है, सब भगवान की है, सब जो अक्षोहिणी 18 अक्षोहिणी सैन्य धराशायी हो, सबको दुख हुआ, लेकिन भगवान ने कहा कि यह सब विष्णु की व्यवस्था है। फिर बाद में यादवों का भी नाश हो गया, अकेला भगवान श्री कृष्ण एक झाड़ के नीचे बैठ करके अपना देख। इस दृष्टि से जिसको देखने के लिए आता है उसके जीवन में क्या चिंता है, उसका जीवन धन्य हो जाए। इसलिए यू शुड लुक द लाइफ बाय द आईज ऑफ गॉड, भगवान के दृष्टि से विश्व को देखने के लिए। लेकिन हमारा ज्ञान, हमारा जो है ना अंतःकरण के हमारे मन के मालिन्य जो है, ये अलग अलग ढंग से हमको दुनिया में जो है ना वो दृष्टि, यानी अलग अलग ढंग से हम जो देख रहे हैं, यही हमारे दोष है। इसलिए जैसे जैसे हमारी चित्त शुद्धि होती जाती है, वैसे वैसे पहले हमको स्वप्न में दर्शन होने लगते हैं, फिर बाद में। हाँ, दूसरी बात और एक छोटी सी बात रही उसमें, और एक भाव से कहते हैं तो भगवान के दर्शन के बारे में। तो पहले का दर्शन स्वप्न का दर्शन हो गया, दूसरे दर्शन प्रत्यक्ष। और एक दृष्टि से पहले दर्शन यह है कि मूर्ति में भगवान का दर्शन होना पहला दर्शन। मूर्ति देखते ही हमको ये ऐसा नहीं हो, ऐसे मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि ये जयपुर से मंगाए क्या, कितने पड़ा इसको, ऐसा नहीं आना चाहिए। हमको साक्षात भगवान दिखना चाहिए। मूर्ति में भगवान दिखना यह सबसे एक अच्छा दर्शन का लक्षण है। मूर्ति देखते ही हमको भगवान लगना चाहिए। और दूसरे इससे भी अच्छा, सत्पुरुषों में भगवान का दर्शन होना, साधु संतों में भगवान का दर्शन होना, उससे बढ़कर है। मूर्ति में भगवान दिखना यह उत्तम लक्षण है, साधक के परमोच्च अवस्था में के एक दर्शन है। और साधु संतों में भगवान का दर्शन होना उससे बढ़कर,
और तीसरी भूमिका उससे भी प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन होना उससे भी बढ़कर, और चौथे हैं मेरे जीवन के प्रत्येक घटना में उसका दर्शन होना, और पांचवे हैं इस विश्व में घटने वाले प्रत्येक घटनाओं के पीछे उसका सत्ता है, उसके उसके अस्तित्व है, ऐसे भगवान के दर्शन होना। इन सब दृष्टि से अपने को हम जांच करके देखना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं, किस प्रकार से हमारे मन में हो रहे हैं, हमारा भाव हो रहा है, ऐसे देखना, और आगे की अवस्था के तरफ बढ़ने के लिए दिन रात साधन करते रहने का मतलब है अध्यात्म। यानी अध्यात्म का मतलब है हमको आगे बढ़ना, इससे भी आगे बढ़ना, इससे भी आगे बढ़ना। और इस संसार में कोई भी बुरा नहीं। महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज हमको भी कल परसों मैंने बताया ना, आपने भगवान का देखा? हाँ देखा है। बोले हमको भी बताओ, दिखाएंगे। बोले वो भगवान देखने के लिए हमारे पास चश्मा है, आप चश्मा ले लो, तुमको भी भगवान दिखेगा, फिर बोलो चश्मा का क्या कीमत है, हम दे देंगे। तो बोले 3.5 करोड़ राम नाम जप। तो उससे क्या होता है, तो 3.5 करोड़ राम नाम जप करने से चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्ध होने के बाद भगवान का दर्शन सब दूर हो, भगवान का दर्शन। चित्त शुद्धि होने का मतलब क्या है, कैसे हम समझे कि हमारा चित्त शुद्ध हो रहा है? जब तक हमको इस विश्व में बुरा दिख रहा है तब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं हुआ है। जब तक हमको इस विश्व में कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति बुरा लगता है, ये दोषपूर्ण ऐसा लगता है, तब तक हमारी चित्त शुद्धि नहीं हुआ। जब हमको यह विश्व निर्दुष्ट दिखता है, निर्दोष दिखता है, तब मान लो हमारी चित्त शुद्धि हो रही। विवेकानंद जी ने एक बार अमेरिका में भाषण करते हुए बोले, मैंने मेरे जीवन में ऐसा एक व्यक्ति देखा है कि उन्होंने कभी भी अपने जीवन के जीवन में फलाने फलाना यानी बुरा है ऐसे उन्होंने नहीं कहा। यानी अपने को यह विश्व परमात्मा स्वरूप दिखना है तो सब दूर हमको सौंदर्य दिखना चाहिए, सब दूर आनंद दिखना चाहिए, आप सब दूर अपने को समाधान दिखना चाहिए, तो हमारी चित्त शुद्धि हुई ऐसे समझना चाहिए। ऐसे भगवान के दर्शन के डायमेंशन है। अभी किसी को कोई छोटा सा प्रश्न पूछना हो तो 5-10 मिनट के लिए पूछिए पूछिए। देह भाव सबसे बड़ा मेरे अनुभव में, छोटे से अनुभव में देह भाव आ रहा है भक्ति में या अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए। मैं जानता हूँ मेरा गुरु उसको पार कर देगा, लेकिन आप कुछ शॉर्टकट बता देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं रिवर्स गियर में भी जा सकता हूँ। आप उसका वे क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो देहा भाव मेरे को आ रहा है, मैं जानता हूँ कि मेरे गुरु उसको दूर कर देंगे, पर आप बताइए कि देहा भाव कैसे। मेरे गुरु ने बोला कि गोवर्धन में जाके रहो, नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे मालूम है वो मुझे पहुंचाएंगे वहीं, बस गुरु की आज्ञा का पालन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए एक ही एक उपाय है कि हम भगवान का नाम लें, धीरे नामस्मरण से धीरे 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 जैसे जैसे हमारी चित्त शुद्ध होने लगता है, वैसे वैसे हमारे में देव भाव के लिए जो देव भाव का जो गाढ़ापन है, यानी वो देव भाव भाव जो यानी खूब जो यानी भरा हुआ है, वो धीरे धीरे हल्के होते जाएगा, कम होते जाएगा, और धीरे धीरे हमारे अंतःकरण में के जो विकार हैं, वासनाएं हैं, विकल्प है, और देव भाव को बनाए रखने के लिए जो दोष हमारे मन में हैं, वे सब धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इसके लिए और कुछ करने की जरूरत है, सिर्फ हम नाम लें, भगवान का नाम लेते रहेंगे तो अपने आप। भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है, नामनी यावती शक्ति ही पाप निर्हरणे हरे है तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनहा। कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, इतना पाप नहीं कर सकता है जितने पाप हरण करने की शक्ति भगवान के नाम में है। हमारा पाप ही हमको देह बुद्धि के लिए कारण है, हमारे पाप जो हैं वे ही हमने अपने मन में देह बुद्धि का भाव
निर्माण करने के लिए कारण है, वे पाप दोष के रूप में भरे हुए हैं। कल मैं इनसे किसी से एक उदाहरण बोला तो क्या हो गया कि एक बार लोकमान्य तिलक करके जो थे उनके पास कोई एक आदमी आया, उनके चरित्र में आता है, तो पा करके बोला कि आप बड़े विद्वान हैं, ऐसे हमने सुना है कि हमारे एक छोटे से काम है, आप उसको हल करा दे। क्या बात है, बोले मैं खूब दारू पीता हूं, बोले मुझे इससे छुड़ाओ। तो बोले बहुत आसानी बात है ये, तो तुम ऐसे क्या करना, तुम ऐसे करो कल एक दारू की बोतल ले आओ हमारे पास। तो फिर दूसरे दिन उसने बड़ी बोतल ले, तो उन्होंने क्या कि अपने जेब में से कंकर निकाले और उस दारू के बोतल में डाल पियो। बोले अरे हमको छोड़ना है। अरे मैं बोलता हूँ पियो तुम। वो पी लिया, फिर क्या करे, कल फिर से एक बोतल ले आओ। तो दूसरे दिन उन्होंने कहा कि दूसरा दिन नहीं ना, हम दो कंकर डाल देंगे। उन्होंने इतने बड़े दो कंकर डाल दिए और तीसरे दिन तीन कंकर डाल दिए, चौथे दिन चार कंकर डाले। जितने कंकर डालते थे उतने बूंद दारू बाहर पड़ता था। ऐसे होते होते एक दिन ऐसा आ गया कि गिनती के साथ तो सब कंकर जैसे गिरे तो बोतल में के दारू सारा दारू जो है बाहर गिर गया। तब बोले छूट गया। बोले ऐसे हमारे अंतःकरण में के हमारा देह भाव को, देहाभिमान को, अज्ञान को रखने वाले जो दोष भरे हुए हैं उनको निकालने के लिए आप अपने ज्ञान से, विवेक से, यानी शास्त्रों के चिंतन से उसको निकाल सकते हैं, ये ज्ञान मार्ग है। अथवा योगाभ्यास से निकाल सकते हैं, प्राणायाम करके वगैरह वगैरह, वो योग मार्ग है। लेकिन हमारे जैसों के लिए इन्हें आसानी से करने जैसे इन्हें साधन, इन्हें भगवान का नाम स्मरण है, भगवान के चिंतन है, सत्संग है। सत्संग भी करते रहना चाहिए और नाम स्मरण भी करते रहना चाहिए। ऐसे करते करते अपने आप धीरे 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 जैसे जैसे गुरु के प्रति अपनी शरणागति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे देह भाव अपने आप कम होते जाएगा। और जैसे जैसे कंकर बढ़ते जाएंगे, नाम रूपी कंकर अपने अंतःकरण में डालने के लिए, महाराज जी कहा करते थे एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाता है, बोलते थे एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो हमसे किसी ने बोला, पूछा हमसे बेंगलोर में, समझो आपने कहा कि एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन हम अभी तक कितने ही नाम स्मरण किए हैं उसका कोई हमको अनुभव में नहीं आता है। तो बोले ऐसी बात नहीं है, मान लो एक बड़ा टैंक है पानी का, वाटर टैंक है, तो उसमें बहुत खराब पानी भरा हुआ है, बहुत चीखल का पानी भरा हुआ है। तो हमारे पास एक ऐसी गोलियां हैं कि जो गोली जो है होती है तो ये साबुदाने जैसी गोली होती है, तो वो गोली में ऐसे सामर्थ्य अपने गात्र के उतने पानी को निर्मल करता है। तो एक गोली डाल देंगे तो वो जो गोली है अपना काम करेगा ही, है ना, करेगी ना। तो वो गोली जो है, गोली डाल देंगे तो क्या होगा, उतना पानी साफ हो जाएगा। तो टैंक में का पानी साफ हुए जैसा लगता है क्या हमको, गोली डाल देंगे तो गोली नीचे जाकर के नीचे का पानी को साफ करेगा। ऊपर गलीचा ऐसा ही है, यानी ऊपर का जो गंदापन है वो ऐसा ही है, हमको लगता है कुछ नहीं हुआ। चार नाम डालो, चार गोलियां डालो, उतने हो जाएंगे, दस गोली डालो उतने, हजार गोली डालो फिर भी नीचे का ही पानी साफ हो रहा है। सत्संग और नामस्मरण, इसमें का आंतरिक भेद मैं कहता हूं। सत्संग से क्या होता है, सत्संग के शब्दों को सुनते ही वे शब्द हमारे अंतःकरण के ऊपरी भाग में उनका जो होता है इफेक्ट होता है, परिणाम होता है। तो हमको उसी समय हमारे दिमाग में अच्छे विचार आ जाते हैं सत्संग के श्रवण से। हम जैसे एक तालाब है, ये शांत तालाब है, उसमें आप एक कंकर डाल दो तो तरंग उठते ही ना, ऐसे हमारे अंतःकरण में सत्संग के शब्द पढ़ते ही तरंग उठते हैं। वो तरंग क्या उठते हैं, अच्छे विचारों के, सत्संग के विचारों के तरंग उठते हैं। उठने के बाद वो क्या करते हैं, उसी समय वो मैसेज जो है ना बुद्धि को पहुंचती है, बुद्धि निर्णय करता है कि अच्छा है। तो इसके बाद वो तरंग जो है नीचे बैठ जाते हैं, फिर अपना ऊपरी भाग जो है ना शांत हो जाता है। सत्संग के बाद घर पहुंचेंगे, सत्संग के सब शब्द नीचे पहुंच गए,
तो सत्संग शांत हो गया, ऐसा होता है। लेकिन ऊपर ऊपर उसका परिणाम होते रहता है। लेकिन नाम का वैशिष्ट्य यह है, नाम पढ़ते ही नाम नीचे चला जाता है, नीचे से अपने मन को साफ रखते हुए आता है। इसलिए अपने को क्या होता है, सत्संग का परिणाम उसी समय हमारे दिमाग में हो जाता है। लेकिन नाम का प्रभाव नहीं हो, परिणाम नहीं होता है, क्योंकि वो नीचे से आ रहा है ना। इसीलिए नाम इन्हें महाराज जी कहा कर सत्संग ने इंजेक्शन जैसे, उसी समय बुखार जो है ना कम हो जाते हैं। और ये नाम जो है आयुर्वेद गोलियां जैसे, आयुर्वेद के गोलियां ले लेंगे तो दीर्घ काल लगेगा ना रोग निवारण होने के लिए, लेकिन रोग निवारण समूल निवारण हो जाएगा आयुर्वेद से। आज एक गोली ले ली, पैरासिटामोल गोली ले ली तो ताबड़तोड़ उसी समय हमारे बुखार कम हो जाते हैं, फिर दो दिन में फिर आते हैं। लेकिन आयुर्वेद की गोली ऐसी है वो रोग को समूल निवारण कर दे, इसलिए उसको देर लगता है। इसलिए हमने कहा कि नीचे से साफ होते हुए आने के लिए नाम, और ऊपर से पुनः पुनः हमारे दिमाग में अच्छे विचार आकर के हमारे अंतःकरण को परिवर्तन करने के दृष्टि से सत्संग, ये दोनों बरोबर ठीक चलते रहेंगे तो क्रांति हो जाती है और देहाभिमान कम होने लगता है, धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। और शांत हुए मन में जैसे पानी उकल रहे हैं, उकलना बोलते हैं ना, उबल रहे हैं, तो उबलते वक्त वो नीचे यदि सुई डाली हो तो सुई नहीं दिखती है, कोई पदार्थ हो नीचे पानी के नीचे बर्तन में पानी उबल रहे हैं और नीचे कोई चीज है तो यानी कोई वो नहीं दिखता है। यदि पानी शांत हो गया, उबलना बंद हो गया, शांत हो गया तो नीचे का पदार्थ जैसा दिखता है। ऐसे हमारा अंतःकरण 2400 घंटे ऐसे उबलते रहता है, उसमें हजारों विचार कल्पनाएं भावनाएं वगैरह, वो अंतःकरण का अंतःकरण शांत हो गया तो नीचे जो भगवान है उसका दर्शन हो जाता है। इसलिए शांत होने के लिए दोनों तरफ से अपने को उस अंतःकरण पर काम करना है, नीचे से नाम लेते रहेंगे। इसलिए मैंने कहा उस लड़के से जिसने हमको पूछा बेंगलोर में, तो उससे कहा कि तुम करोड़ों नाम ले ओ, तब तुमको पता चलता है कि हमारे अंतःकरण अंदर से बदलते आ रहा है और हमारे अंतःकरण शुद्ध होते आ रहा है, हमारे विचार बदल रहे हैं, दृष्टि बदल रही है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है ना, हमारी दृष्टि बदल रही है, हमारे मूल्य बदल रहे, हमारे वैल्यूएशन बदल रहा है, हमको जीवन के प्रति हमारी परमार्थ का सबसे श्रेष्ठ लक्षण यह है कि प्रतिक्रिया बदलना चाहिए, हमारे रिस्पांस बदलना चाहिए ना, परमार्थ में हमारे रिस्पांस बदलना चाहिए, प्रतिक्रिया बदलनी चाहिए। जैसी जैसी हमारी प्रतिक्रिया बदलते जाएंगे वैसे वैसे हमारे अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, इसे समझना है। हमारी प्रतिक्रिया शांत होनी चाहिए, समाधान पूर्ण होने चाहिए और अंतर्मुख होना चाहिए, ऐसी प्रतिक्रिया बदलना, यह भगवान के दर्शन के अलग अलग ढंग है। इसलिए हम हमारी यही प्रार्थना है सब भाविकों से या साधकों से कि हम अपने साधन के साधन में जुड़े रहना। कैसे जुड़े रहना, इसके लिए उदाहरण देंगे, समाप्त करें। एक आदमी काशी जी जा रहा था हमारे उधर कर्नाटक से, तो उसका नियम था कि रोज 10 मील चलना और विश्रांति लेना। चलते रहा, पूछता भी नहीं है कि कौन सा गांव है, क्या है वगैरह। तो महीना महीना चल रहा है, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, रोज 10 मील चलना और विश्रांति लेना। तो रास्ते में उसको बहुत लोग देखते थे ना, 8 दिन पहले भी देखा, आज भी देखा और 8 दिन बाद के भी उनको देखा, तो बोले कहाँ जा रहे हैं आप, हम आपको कितने बार देखते हैं रास्ते पे। हम भी एक समय ऐसा था कि हम भी जाते थे ऐसे 10,000 मील पैदल करते चलते, तो लोगों को बहुत बार देखते थे। तो पूछते थे कि कहाँ जाते हैं, नहीं हम काशी जा रहे हैं। काशी जा रहे हैं, अरे काशी तो पीछे गई, ऐसे हमको जाना चाहिए। हम ये नहीं सोचना कि काशी अभी कितने देर है, मोबाइल निकाल के देखना कितने मील है, कितने दिन लगेंगे, वैसे नहीं। आखिरी श्वास तक हम नाम लेते रहेंगे तो भगवान कभी भी मिल गए ऐसा हो जाएगा।
भगवान के मिलने के लिए अपने को भगवान कब मिलेगा यह नहीं सोचना, भगवान के पीछे दौड़ने के लिए। हम मीराबाई कहती थी मुझे भगवान से मिलना चाहिए इसी बात नहीं है, लेकिन भगवान के पीछे दौड़ने को हमको अच्छा लगता है। बोल हम भगवान के दर्शन के लिए योग्य होने के लिए तड़पना चाहिए। भगवान के दर्शन कब होगा इससे भी मैं पात्र हो गया हूँ क्या भगवान के दर्शन के लिए, इसलिए हम वो पात्र होने के खटपट में लगे रहना चाहिए। हम उसके दर्शन के योग्य होने के लिए हम अपनी तैयारी करती रहनी चाहिए। भगवान के दर्शन तो होगा ही, पानी तो है नीचे, लेकिन मिट्टी निकालना है ना कुआं खोदने के लिए, पानी मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसे सोचने की जरूरत नहीं। हम मिट्टी निकालते रहेंगे तो पानी अंदर है ही, चित्त शुद्धि होना ही जरूरी है और भगवान अंदर है ही, उनका दर्शन होता ही है। इसलिए अपने को शांत रो, शांत भाव से नाम लेते रहेंगे, नाम लेते रहेंगे तो निश्चित ही भगवान का दर्शन होते। कल हमने रात को इनसे एक बात कही तो याद आ गई अभी, तो हमने नेमावर में 3.5 साल रहे एक महात्मा के, 3 महात्माओं के साथ में। तो एक महात्मा थे 127 साल के, कृष्णानंद तीर्थ करके, तो दंडी स्वामी, डीडी स्वामी जी कहते थे उनको, दक्षिण दंडी स्वामी, तो उनके पास रहे। और एक विश्वनाथ प्रकाश ब्रह्मचारी जी करके थे उनके पास, वे भी थे वहां पे। उन्होंने हमसे कहा था कि 9 साल हमने सूर्य को नहीं देखा। बोले अरे फिर क्या किया आपने? ते वे एक छोटे से, एक छोटे से कमरे में 6 फीट लंबा है और 4 फीट यानी चौड़ा, इतने छोटे से कमरे में 9 साल रहे। सवेरे 4 बजे उठते और नर्मदा जी में स्नान करते, उस समय उनको 27 साल उम्र थी, तो स्नान करते और आ करके अपनी संध्या करते और गायत्री जप करके बैठ जाते दरवाजा लगा कर, शाम को 7 बजे तक गायत्री जप करते थे। तो एक आदमी आकर के उनको एक थाली में एक कटोरी भर था चावल, एक कटोरी शक्कर और एक बड़ा कटोरी भर क्या दूध रखे जाता था। तो शाम को 7 बजे उठते और स्नान करके आते और एक चावल बना लेते दूध और शक्कर के साथ खा लेते और 11 बजे थोड़ा इधर उधर घूम करके 11 बजे सो जाते, 4 बजे उठते, नर्मदा जी में स्नान करके आते और फिर गायत्री जप करते बैठते। 9 साल उन्होंने ऐसे गायत्री जप किया कि उन्होंने सूर्य को ही नहीं देखा। ऐसे अपने को साधन करना है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनान, जो फल होता है पक्व होता है तो वो इससे क्या बोलते हैं उसको अपने आप छूट जाता है। ऐसे हमारे अंतःकरण इस संसार के जो बंधन है उस बंधन से अपने आप छूट जाना चाहिए। यहाँ पर कोई घाव हुआ है हमको तो हम उसको उसके ऊपर एक ऐसा ये आता है ना लेयर आता है ना, हाँ फपड़ी आता है, तो हम उसको नहीं निकालना चाहिए। वो अंदर से जैसे जैसे भरते हुए आएगा तो अपने आप जैसा गिर जाएगा। ऐसे अपने अंतःकरण जैसे जैसे शुद्ध होते आएगा वैसे वैसे हमारे सब संसार के बंधन अपने आप छूट जाते हैं, मन को शांति मिलती है, समाधान मिलते हैं। आप सब लोग बड़े भाग्यवान हैं कि भगवान के दिव्य सान्निध्य में और गुरु महाराज जी के सान्निध्य में आपके जीवन के क्षण बिता रहे हैं। आप सचमुच धन्य हैं। भगवान से और गुरु महाराज जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वे उन आप सब लोगों को, आप सबको वृंदावन के इतने ही नहीं सब इन्हें आस्तिक महानुभावों को वे आयुष आरोग्य ईश्वर देवत, इसके अलावा खास करके भगवान की भक्ति और सद्गुरु में अनन्य निष्ठा और भगवान में भक्ति दे और हमारे जीवन में हमको शांति समाधान दे, यही हमारे इन्हें उस भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है। कल हम जा रहे हैं इसलिए कल का सत्संग शायद नहीं होगा और आज फिर से हम आपस में ऐसे प्रेम भाव से अपने जीवन के एक एक क्षण भगवान के चिंतन में बिता। जानकी जीवन स्मरण तीन चार दिन से महेश आनंद जी भी आ रहे हैं, हमको भी बड़ा अच्छा लगा स्वामी महेश आनंद जी और हमारे स्वामी जी का तो दिन रात यहाँ